तरह से देखिए जबरदस्त सी बिरयानी हमारी अब बिल्कुल रेडी है। हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकिंग विद मीनाज। आज हम बनाने जा रहे हैं हलवा मच्छी की फिश बिरयानी। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 किलो हलवा मच्छी। देखिए हमने इस तरह से नमक और वेनेगर के पानी में डुबो के रखा है उसे, ताकि उसके अच्छे से उसकी जो स्मेल है वो चली जाए। पानी में अच्छे से डुबो के रखा है। 1 गिलास पानी हमें ज़रूरत के हिसाब से लगेगा। फिश को मसाला लगाने के लिए हमें चाहिए देखिए 1 बड़ा चम्मच हमने आटा, लाल मिर्च, हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून धनिया, ये सब मसाला हमने रेडी करके रखा है इस तरह से। कोथमीर पुदीना 1 कप हमें चाहिए, 1 लींबू का रस, नमक, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, लाल मिर्चें 2 पाउडर, 2 किस्म की इस तरह से 1/2 टीस्पून हमने लाल मिर्च तेज़ वाली ले ली है, 1/2 टीस्पून हमने कश्मीरी लाल मिर्च ले लिया है, 1 कप ऑयल का, हरी मिर्ची इस तरह से दरदरा पीसी हुई 1 बड़े चम्मच हमने ले लिया है, 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, 1 टमाटर मीडियम साइज़ का हमने इस तरह से बारीक चॉप करके रखा है, गरम मसाला 1 बड़े चम्मच हमने गरम मसाले के ले लिए हैं पाउडर, होममेड हमारा गरम मसाला है ये, और 100 ग्राम हमने दही ले ली है। अब हम चावल के लिए देखिए, चावल 1/2 किलो हमने चावल ले लिया है, हमने 1 गिलास चावल लिया है तो हम उसके अंदर 3 गिलास पानी डालेंगे। तो हमने ये चावल ले लिया है, पानी भी है, केवड़ा वाटर ले लिया है 1 बड़े चम्मच, नमक, अगर हमने 1 गिलास चावल लिया है तो हम उसमें उसका 3 हिस्सा नमक डालेंगे, क्योंकि हम इसका पानी फेंकेंगे, इसके लिए इसमें हम नमक इसका डबल लेंगे। देखिए हमने यहाँ पर ले लिया है केवड़ा वाटर, और इस तरह से हमने ले लिया है कलर वाला पानी, एक कप में हमने ये कलर डुबो के रखा है, फूड कलर 1/2 टीस्पून मिला के इस तरह से हमने इसे रेडी करके रखा है। वेनेगर हमने ले लिया है 1 बड़े चम्मच वेनेगर के, और इस तरह से सूखे मसालों में देखिए 1/2 टीस्पून हमने ले लिया है शाजीरा, 4-5 हमने ले लिए हैं इलायची के, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के, स्टार फूल ले लिया एक छोटा वाला, और 4-5 काली मिरे, 2 हमने ले लिए हैं लौंग के, 1 तेज़पत्ता ये हमने ले लिया है, घी ये भी हमने लिया है 1 बड़े चम्मच। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं फिश बिरयानी। देखिए आटा, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, इसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाकर इसका अच्छी तरह से घोल बना लेंगे। इसमें हम 1 चम्मच ऑयल भी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से हम इसका घोल रेडी कर देंगे, और फिर से हम हमारी फिश पे लगाएंगे। अब हमने जो बैटर रेडी करके रखा है इस पर अच्छी तरह से हम फिश पर इसे लगा लेंगे, अच्छे से फिश के ऊपर से अच्छे से लगा लेंगे, और फिर से हम फ्राई कर लेंगे। हमने अच्छी तरह से फिश पे मसाला लगा दिया है। अब हम इसे तकरीबन 10 मिनटों के लिए अच्छे से थोड़ी देर के लिए रख देंगे फ्रिज में, फिर हम इसे फ्राई करेंगे। देखिए इस तरह हमारा तेल देखिए गर्म हो रहा है। अब हम इसमें हमारी फिश जो है इसे हम फ्राई करेंगे, सबको हम इस तरह से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बस हमें इसका रंग बदलना है, ज़्यादा डार्क कलर नहीं लाना है, बस हल्का रंग बदलना है हमें फिश का। बस हम देखिए हमने इसका बस रंग बदलना है हमें इस तरह से, कलर बिल्कुल रेडी है ये देखिए। बस दोनों साइड से हम इस तरह से कर लेंगे इसे अच्छे से। देखिए एक तरफ से हो चुकी है, अभी इधर से भी इसका कलर बदल के हम इसे निकाल लेंगे। बस ये अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, बस हम अब इसे निकाल लेंगे। हमारा हमने भी फिश इसमें फ्राई किए थे, इसी में हम हमारे तमाम मसाले ये अदरक लहसुन ये सब इसमें इस तरह से हम
ऐड करेंगे अच्छे से। देखिए हल्का सा ऐसे भून लेंगे। देखिए मसाला हमारा अच्छा भुने जा रहा है, इसमें हम टमाटर भी ऐड कर लेंगे और हमारे जो ये पाउडर मसाले हैं, नमक है, ये भी हम इसमें ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से इसे हम मसाले में भून लेंगे अच्छे से। इस तरह से अच्छे से भून लेंगे, मसाला तैयार कर लेंगे इसका। और अब हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इसमें हमने जो एक कप बिरिस्ता बनाए थे उसमें से हम इस तरह से आधा बिरिस्ता हम डालेंगे, अच्छे से इसे मिला लेंगे। दही भी हम इसमें शामिल करेंगे, जो हमने 100 ग्राम दही ली थी इसे हम डालेंगे और जल्दी जल्दी से मिलाने लगेंगे अच्छे से। अच्छे से हम इसे मिला लेंगे। बस अभी हम थोड़ा हमारा जो कोथमीर पुदीना है आधा हम इसमें अभी ऐड करेंगे, इस तरह से आधा हम डालेंगे, अच्छे से इसे भी मिला लेंगे। गरम मसाला पाउडर हमारा एक बड़े चम्मच हम लिए थे, ये भी हम इसे डालेंगे। देखिए अच्छे से जल्दी जल्दी मिला लेंगे इस तरह से। देखिए मसाला भी हमारा बिल्कुल ये रेडी है। अब हम इसमें हमारी जो फ़िश हमने रखी थी ये अब हम नहीं डालेंगे पसाने के टाइम पे। हम जो चावल अभी हमारा मसाला देखिए ये रेडी है बिल्कुल अभी। चलिए अब शुरू करते हैं बनाना, हम इसके ऊपर चावल पसाएंगे। देखिए मसाला, अब हम इसमें फ़िश हमारी वो ऐड करेंगे। आ रहा है अच्छी तरह से, ये हो रहा है। अब हम इसमें हमारे अखे गरम मसाले ये सब डाल देंगे अच्छी तरह से। शाजीरा, नमक ये भी हम डालेंगे उबलने के लिए। अब इसे अच्छी तरह से हम पकने देंगे, बस एक कनी बाकी रहने तक हम इसे पकाएंगे। चावल अब हमारे हो चुके हैं, हम इसका पानी अभी निकाल लेंगे, इसका पानी रिमूव कर लेंगे। देखिए पानी हमने निकाल लिया है। सबसे पहले हमने जो बॉईल करके रखे हैं हमारे राइस, इसे हम देखिए इस तरह से अच्छे से नीचे तले में फैला देंगे। अब हम इस पर हमारा मसाला फिश का वो ऐड करेंगे। हमने पूरा मसाला इस पर ऐड कर लिया है। अब हम इस पर हमारी जो फ़िश है जो हमने फ्राई करके रखी थी, इस तरह से हम सब फिश को इस तरह रखेंगे। और हमने थोड़ा मसाला और एक्स्ट्रा में रखा है वो हम इस फिश के ऊपर से फिर हम डालेंगे। देखिए अच्छी तरह से हम इसे बिछा देंगे इस तरह से, अच्छे से फिश को। अच्छे से ये फिश बहुत, फिश तो देखिए फुल ऑफ विटामिन से भरपूर। ये हमने मसाले के ऊपर तमाम हमारी जो फिश थी इसे बिछा दिया है। अब इस तरह से हम छीरी लगी हुई हरी मिर्चें, हमें पसंद है इसलिए हमने आपको इंग्रेडिएंट्स में नहीं बताए थे, आप अगर चाहे तो इस तरह से आप डाल सकते हो, ये डाल देंगे। और हमने कुछ पत्ते कोथमीर पुदीने के रखे थे ये भी हम इसमें डालेंगे। थोड़ा और बिरिस्ता इस तरह से हम इस पर ऐड करेंगे। और हमने जो मसाला थोड़ा सा रख दिया था अब वो मसाला इसके ऊपर हम वो ऐड करेंगे। देखिए मसाला हम थोड़ा थोड़ा करके तमाम फिश के ऊपर इस तरह से अच्छे से डालेंगे इसके ऊपर। देखिए हमने मसाला जो हमने थोड़ा रखा था वो भी अच्छे से पूरा फैला दिया है। अब हम इस पर हमारे बाकी के चावल जो है वो पूरा इसके ऊपर इस तरह से पूरा फैला देंगे अच्छे से। हम इसे पूरा मसाले को चावल से कवर कर लेंगे इस तरह से, अच्छे से हम कर लें। अच्छी तरह से चावल पूरा हमने मसाले को कवर कर दिया है, ऊपर हमने चावल बिछा दिए हैं। अब हम इसके ऊपर हमारा थोड़ा बिरिस्ता इस तरह से ये ऐड करेंगे, फूड कलर इस तरह से ये ऐड करेंगे, केवड़ा वाटर इस तरह से हम
ये ऐड करेंगे इसमें कोथमीर पुदीने के पत्ते, इस तरह से कुछ हम ये ऐड करेंगे। घी हमने लिया था जो, इस तरह से थोड़ा थोड़ा पूरे इसमें हम घी ये डाल देंगे, एक चम्मच के करीब हमने घी लिया था। बस इस तरह से हम अच्छे से सब जगह पूरा फैला देंगे इसे अच्छे से। अब हम इसे कवर लगा के अच्छे से 15 मिनटों के लिए दम पे पकने देंगे। इसका हम कवर नहीं खोलेंगे। थोड़ा सा पानी, देखिए पाव गिलास के करीब हमने पानी इस तरह से हम बीच में डाल दिया है इस तरह से। अब हम इसे 15 मिनटों के लिए कवर लगा के बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे। हमने चावल के नीचे चावल पहले बिछाए, फिर मसाला, उसके ऊपर फिश, फिर थोड़ा और मसाला, वो सब हमने बिछा के फिर उसके ऊपर फिर चावल की एक और लेयर लगाई, उसके ऊपर हमने बिरिस्ता और इस तरह से घी, फूड कलर, केवड़ा वाटर और कोथमीर पुदीने के पत्ते और तला हुआ हमारा बिरिस्ता वो सब डाल दिया है। पाव कप हमने पानी भी डाला है। अभी हम इसे डबल कवर लगा के तकरीबन 15 मिनटों के लिए दम पे हम इसे पकने देंगे। हमारी आंच बिल्कुल हम फास्ट नहीं करेंगे, एकदम स्लो आंच पे हम इसे डबल कवर लगा के 15 मिनटों के लिए हमारी बिरयानी को पकने देंगे। इस तरह से हमने अच्छे से इसे अंदर फॉइल पेपर लगा के ऊपर इस तरह से कवर अच्छे से इसे टाइट हमने बंद कर दिया है। आंच हमारी एकदम मीडियम है। अब हम इसे तकरीबन 15 मिनटों के लिए इसका कवर नहीं खोलेंगे, एकदम स्लो मीडियम फ्लेम पे इसे दम पे पकने देंगे। देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, अब हमारा हम कवर हटाएंगे। देखिए अच्छे से हमारी बिरयानी माशाल्लाह से ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन। देखिए माशाल्लाह अच्छी तरह से हमारी बिरयानी हो गई है, चावल भी हमारे अच्छी तरह से हो चुके हैं खिले खिले। इस तरह से देखिए ज़बरदस्त सी बिरयानी हमारी अब बिल्कुल रेडी है। बस अब हम हमारा गैस जो है वो अब बंद कर देंगे। हमारी हलवा मच्छी की फिश बिरयानी बिल्कुल रेडी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।